שמע ישראל. אדוני אלוהינו. शलोम अल मसी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं हमारी वीडियो देखकर मजे लेने के साथ साथ आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो सबसे पहले रिमाइंडर, यदि आप बिब्लिकल प्रॉब्लम्स और बिब्लिकल कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है सोल्जर ऑफ गॉड वॉरियर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसका हमने सब्सक्राइब एम 1000 रखा हुआ है। आप उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए ताकि अदर रिलीजन के साथ साथ आप अपनी बाइबल के बारे में ढंग से जान सकें। और दूसरा, यदि आप टुन्नी धर्म से रिलेटेड सारे रेफरेंसेस चाहते हैं जो भी हम अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ उन बुक्स को भी आप लेना चाहते हैं जो हम अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं, तो आप हमारे सोल्जर ऑफ गॉड अपोलोजेटिक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से रेफरेंसेज उठाइए और टुन्नी और बोविनो की बैंड बजाइए। और साथ ही साथ यदि आप हमारी सेवकाई को भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपकी छोटी सी सहायता हमारी सेवकाई को मजबूत बनाने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो बहुत दिनों से बहुत सारे बहन और भाई कह रहे थे, भाई इस्लाम के ऊपर भी वीडियो बनाओ, हमारे को इस्लाम के बारे में भी कुछ जानकारी दो। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, भाई 2-4 वीडियो के बाद इस्लाम का भी नंबर हम लगा ही देंगे, क्योंकि वीडियोस तो बनी रखी है, बस उनको पब्लिक करने की देर है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझको लगता है कि उनको जल्दी ही निपटा देना चाहिए, वरना जब तक हम इस टॉपिक पर आए बहुत ज्यादा देर ना हो जाए, कम से कम हम लोग अवेयर तो हों। तो इस वीडियो के बाद जो आने वाली वीडियो है वो वीडियो है एक छोटी सी डिबेट की, और उसके बाद मैं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आऊंगा जो कि है टुन्नियों के धर्म में अन्य भाषा। ये लोग बहुत मजे लेते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं, तो फिर हम भी उसके थोड़े बहुत मतलब पूछ ही लेते हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि तुम मजाक बनाओ, उंगली जरूर उठाओ, बस ये हो कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ऐसा कुछ ना निकल जाए। सो वेट फॉर इट। तो आज मैं एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक लेकर आया जिसके बाद हो सकता है बहुत से ईसाई मेरे पीछे पड़ जाएं, क्योंकि जो लोग दुनिया में भ्रम फैला रहे हैं अभी तक किसी ने उनसे सवाल नहीं किया है और उनके मकसद पे भी चोट लगेगी ही लगेगी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक जो कि जुड़ती है बाइबल की एक घटना और उसके साथ फैलाई जाने वाली भ्रांति। ये है कि स्वर्गदूत आए थे और उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ व्यभिचार किया और उनसे दानव पैदा हो। और साथ ही साथ इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि जो ये मूर्तियां हैं क्या ये फॉलन एंजल्स। हालांकि मैं इस वीडियो को डिटेल में बनाना चाह रहा था पर मैं इस वीडियो को शॉर्ट में बना रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा सिस्टम खराब है जिससे मैं वीडियोस और रिकॉर्डिंग किया करता था, सो मैं ये कोशिश करूंगा कि इन शॉर्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। तो समय को और बर्बाद नहीं करते, चलते हैं आज की वीडियो की ओर। मैं नहीं जानता आप लोग इस बात से अवेयर है कि नहीं है, सोशल मीडिया पे एक बात बहुत जोर शोर से वायरल हो रही है, सीक्रेट सोसाइटी, डीमंस, शैतान की प्लानिंग, इल्मुनाटी, और साथ ही साथ एक और चीज है जिसको हम कहते हैं द बुक ऑफ एनोक। और इस किताब का प्रचार सो कॉल्ड नामी ग्रामी पास्टर्स भी करते हैं, इसके अंदर से बहुत सारी भविष्यवाणी और चमत्कारी चीजों को बताने की कोशिश भी करते हैं।
और इस किताब का प्रचार इस तरीके से किया जाता है कि ये तो परमेश्वर का रेवोल्यूशन था, इतनी खास किताब है, ना जाने क्यों इसे बाइबल में से हटा दिया गया। तो इन सारी बातों में जाने से पहले हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या सच में बाइबल ये कहती है कि स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ व्यभिचार किया जिससे दानव पैदा हुए। और यदि मैं कहूँ ऐसा नहीं है तो मुझे यकीन है बहुत सारे लोग मेरे विरोध में ही बात करेंगे। और इस बात को बहुत लंबे टाइम से हमें बताया गया और बहुत सारे स्कॉलर्स भी इस बात को मानते हैं। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं ये मुद्दा उठा कहां से। तो बाइबल के अंदर एक घटना का जिक्र किया गया जो कि पाया जाता है उत्पत्ति 6:1-5 तक, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसे चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष होगी। उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहा करते थे। इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से ही प्रचलित है। तो ये सारा मुद्दा इन आयतों से शुरू होता है। और यदि आप ये मानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूतों के द्वारा मनुष्य के पुत्रों के साथ जो संबंध बनाए गए और उनसे दानव उत्पन्न हुए, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि आपको जन्नत में हूरे मिलेंगी या अप्सराएं मिलेंगी या बहुत सारा भोग विलास करने को मिलेगा या खाने में बिरयानी खाने को मिलेगी या आपको शराबें मिलेगी पीने को, तो आप क्या कहेंगे? तो जहां तक मुझे उम्मीद है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आप में से 99% विश्वासियों का यही कहना होगा जैसे कि मरकुस 12:25 के अनुसार हम लोग स्वर्ग में स्वर्गदूतों के नाई होंगे, वहां पे ब्याह शादी नहीं होगी, यानी कि कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। तो इस जगह पे हम सभी लोग एग्री करते हैं। तो यदि मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछूं कि ये दानव कहाँ से आए, तो आप में से कितने % लोग ये बोलेंगे कि ऊपर से कुछ करप्ट स्वर्गदूत आए और उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से शादी करी और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो दानव बन गए? तो क्या आपको इन दोनों बातों में कुछ सेंस लगती है? और जहां तक मुझे लगता है कि हम लोगों को यही तो बताया गया है और सिखाया गया है। अब बहुत सारे लोग जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और इस थ्योरी को मानते हैं, वो लोग ये बात जरूर बोलेंगे कि भाई स्वर्गदूत जो थे पृथ्वी पर आए, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, फिर मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, फिर उनसे शादी करी, फिर उससे जो बच्चे पैदा हुए वो दानव बन गए। तो मेरा कहना, हाँ भाई ये तो हो सकता है। और इस बात की सपोर्ट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि बाइबल के अंदर कई बार जब स्वर्गदूत आए तो उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, तो इस हिसाब से तो स्वर्गदूत रूप बदल सकते हैं, तो वो मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य की पुत्रियों के पास भी जा सकते हैं। तो यह बात बिल्कुल हो सकती है। तो मेरा थोड़ा सा डाउट ये है कि अगर स्वर्गदूत जमीन पे आके रूप बदल कर संबंध बना सकते हैं, तो जब हम लोग स्वर्ग के राज्य में होंगे, क्या हम लोग भी रूप बदल कर संबंध नहीं बना सकते क्या? भाई हम तो मनुष्यों में से ही स्वर्गदूत बने हैं ना, हमें तो पता है मनुष्य के शरीर में रहने के क्या क्या फायदे हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अब मेरा दूसरा सवाल कि ये बात बिल्कुल सही है कि बाइबल के अंदर बहुत सी बार स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में आए, पर यह बात कैसे आप लोग को पता चली कि जो मनुष्य के रूप को धारण कर सकते हैं तो वो शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं? तो क्या उनके गुप्तांग होंगे? तो इस पे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि जब स्वर्गदूत अब्राहम के पास गए, जब वो सदोम गोमोरा को नाश करने वाले थे, अब्राहम ने उनको खाने के लिए भोजन ऑफर किया था, तो यदि वो भोजन कर सकते हैं तो फिर भोजन निकालने के लिए भी तो शारीरिक प्रोसेस की जरूरत पड़ी। और दूसरा, जब वो सदोम गमोरा गए थे तो वहाँ के जो लोग थे वो उन स्वर्गदूतों के साथ बलात्कार करना चाहते थे, तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि स्वर्गदूतों के साथ शारीरिक संबंध बनाया जा सकता। तो इस पे मेरा ये सवाल है, यदि भोजन कर लेने से शारीरिक जरूरत की प्रोसेस पड़ सकती है, तो बाइबल के अंदर बहुत सारी जगह ये भी लिखा है कि तुम स्वर्ग के राज्य में 12 फल खाओ, परमेश्वर की मेज पे बैठोगे, वहां पे आनंद बनाओगे। तो क्या स्वर्ग के राज्य के अंदर भी टॉयलेट्स और वॉशरूम बने होंगे कि जो खाएंगे वो हम निकालेंगे भी? ये कौन सा लॉजिक है भाई लोग? अब आते हैं सदोम और गमोरा की घटना पर। ये बात सही है कि सदोम और गमोरा के जो नगरवासी थे वो स्वर्गदूतों के साथ रेप करना चाह रहे थे, पर सवाल ये उठता है कि क्या वो उनके साथ ये सब कुछ कर पाए?
इनफैक्ट क्या वो स्वर्गदूतों को छू भी पाए थे? तो मेरे ख्याल से जवाब है नहीं, क्योंकि जब बात स्वर्ग राज्य की आती है तो वहाँ पे खाने पीने की बात मेटाफोर में आती है। और जब अब्राहम ने खाने को ऑफर किया था और उसके बाद जब लूत ने खाना ऑफर किया था तो स्वर्गदूतों ने और परमेश्वर ने उनका आदर करने के लिए उस भोजन को ग्रहण किया। जो लोग ये लॉजिक देते हैं कि स्वर्गदूतों ने खाना खाया तो उनके शारीरिक अंग भी होंगे, तो इस हिसाब से तो परमेश्वर यहोवा ने भी अब्राहम के साथ खाना खाया था, तो ये नियम तो उधर में भी लागू हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसका सही जवाब ये होगा, चाहे परमेश्वर चाहे स्वर्गदूत चाहे डिवाइन रूप में हो चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, वो उनकी जो डिवाइन पावर्स है वो उनके साथ ही रहेगी। यानी कि जो भोजन ग्रहण करने के बाद जो जरूरतें मनुष्य के ऊपर लागू होती है वे परमेश्वर और स्वर्गदूतों पर लागू नहीं होती। तो ये है कुछ वो तर्क जो इसकी सपोर्ट में कहे जाते हैं, जो यूट्यूब सोशल मीडिया ब्लॉगिंग पे मिलते हैं, और उनको मैंने बहुत ही हल्के फुल्के तर्कों से काटने की कोशिश करी। अब हो सकता है आपके मन में ये विचार उठे कि यदि हनोक की किताब गलत है तो बाइबल इसके बारे में क्यों बताती है, और फॉलन एंजल्स और जायंट्स की जो कहानी है उसके बारे में बाइबल क्यों बोलती है। तो मेरा सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये कहानी कहाँ पे आती है, और इसका मोस्ट पॉपुलर जो एविडेंस दिया जाता है वो है यहूदा की पत्री, और उसमें भी सबसे खास तौर से ये वाला रेफरेंस जो कि पाया जाता है यहूदा 1:6-7, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पदों को स्थिर ना रखा अपने निज निवास को छोड़ दिया उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आस पास के नगर तो इनके समान व्यभिचार हो गए थे, पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पढ़कर दृष्टांत ठहरे हैं। ओके, पर मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे कहाँ लिखा है कि स्वर्गदूतों ने व्यभिचार किया, और ये बुक ऑफ हनोक का रेफरेंस। चलो छोड़ो, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि हनोक की किताब सही है, परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्य की पुत्रियों के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए वो दानव हैं। तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसा कि हनोक की किताब भी कहती है और बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर ने जल पलटे के द्वारा पूरी दुनिया को नाश कर दिया था, उनमें से केवल नूह के वंशज और वो पशु पक्षी बचे थे जिनको परमेश्वर ने बचाया था, तो बाद में दानव आए कहां से, जो कि मूसा के टाइम में भी थे और दाऊद ने भी एक दानव जिसको नाम गोलियत था उसको मारा, तो ये बाद में आए कहां से? यानी कि परमेश्वर की प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हो गई, क्यों लगा ना झटका? और एक और बात, क्योंकि बुक ऑफ एनोक ये भी बता दिए कि ये दानव बहुत ही खूंखार थे, आदमखोर थे, इन्होंने कत्लेआम मचा दिया, तो उस टाइम पे पृथ्वी की कितनी पॉपुलेशन रही होगी, 1,50,000, 1,50,000, 10,00,000, ये शुरुआती दिनों में संभव था, और अगर हो भी गया था तो इन दानवों के द्वारा तो मनुष्य जाति खत्म हो चुकी होती। और जहां तक मेरी जानकारी है स्वर्ग में से 200 स्वर्गदूत गिराए थे जिन्होंने ये काम किया था। तो आइए समझते हैं बाइबल क्या कहती है असल और कैसे हमें गलत तरीके से इंटरप्रेट करके बताया जाता है। आप अपने सामने उत्पत्ति अध्याय 6:1-4 तक खोल के रखिए और हम इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम इसमें परमेश्वर के पुत्रों को मिस्टर ए और मनुष्य की पुत्रियों को मिस बी के नाम से समझेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि जब मिस्टर ए ने मिस बी को देखा तो उससे विवाह कर लिया, और उस समय पृथ्वी पर सी यानी दानव रहा करते थे। तो यानी मिस्टर ए और मिस बी की शादी से जो बच्चे उत्पन्न हुए यानी कि डी, वे शूरवीर थे। समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया उस वक्त दानव वहाँ पे उपस्थित थे, यानी कि उनके बच्चे जो थे वो दानव नहीं थे। और हिब्रू में दानव को कहा जाता है नेफिलम, जिसका अर्थ होता है गिरे हुए यानी फॉलन वंस। अब सवाल ये उठता है कि ये कहाँ से गिरे, और इसका जवाब आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा, तो फिर परमेश्वर के पुत्र कौन है, क्योंकि अय्यूब की किताब में भी स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ यहाँ पे परमेश्वर के पुत्रों से यानी यहाँ एक बहुवचन है और स्वर्गदूतों के लिए भी इस्तेमाल होता है, पर यहाँ पर परमेश्वर के पुत्रों का जो संदर्भ है वो मनुष्यों से ही है। तो आप इस तरीके से समझिए, जब धर्मियों ने अधर्मियों की पुत्रियों को देखा और उनके साथ विवाह किया और उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए वो शूरवीर थे,
जैसे कि सुलेमान एक धर्मी व्यक्ति था और उसने अन्य जाति की लड़कियों में शादी करके अपने बीच में दूसरे देवी देवताओं को स्थापित कर लिया था। बाइबल में ये चीज लगातार आपको देखने की मिलेगी कि धर्मी यदि अधर्मी के साथ संगति करता है तो उसका भी नाश होने की चांसेस पूरे होते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल लूथ है और दूसरा भजन संहिता 1 का पूरा चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं कि फिर ये ऊपर से गिरे हुए दानव कहाँ से आए। यदि आपको इस बात की जानकारी है कि स्वर्गदूतों के भी कई तरह की वैरायटीज हैं, उसी तरीके से उनमें से कुछ जो स्वर्गदूत गिरे होंगे वो दानव बन गए जो शैतान के साथ गिराए गए थे, जो कि प्रकाशित वाक्य 12:4 में उनकी संख्या 1/3 बताई गई है। और 1/3 स्वर्गदूत यानी उनकी हम संख्या का भी ढंग से अंदाजा नहीं लगा सकते और उनमें से कितने सारी वैरायटी के थे वो भी हम नहीं जानते, वो तो अंत के दिनों में ही पता चलेगा। बात करते हैं यहूदा की पत्री 1 आयत 6-7 तक, और यहाँ पे अगर आप गौर से पढ़ें तो उनको बंधनों में रखा गया है। सदोम और गमोरा की देखा देखी जो और नगर भी उसके आसपास के थे और उन्हीं की तरीके से प्राय शरीर यानी दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलने लगे और व्यभिचार करने लगे, उनको विनाश करके परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो यहाँ तक वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया हो कि मरने के बाद हम लोग स्वर्गदूतों की नाई बनेंगे, यानी कि हमारे बीच में सेक्स नहीं होगा क्योंकि स्वर्गदूत सेक्स नहीं करते। और यदि आप लोग फॉलन एंजल की थ्योरी को मानते हैं तो फिर ये भी मानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हूरे भी मिल सकती हैं, शराब भी मिल सकती है और कबाब भी मिल सकता है। तो एक और सवाल उठता है कि फिर बाइबल में बाद में जो दानव मिलते हैं वो कहाँ से आए। अगर मैं इसे इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये था जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल, क्योंकि अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको उनके वंशजों का भी नाम पता चल जाएगा। खैर इस वाले टॉपिक पे हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि मैं अपने दूसरे चैनल पे भी जब वीडियो डालूंगा तो उस पे इस टॉपिक पे बात करूंगा, तब तक मेरा सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या है बुक ऑफ हेनोक। तो बुक ऑफ हेनोक के 3 भाग है, हेनोक 1, हेनोक 2, हेनोक 3, जिसमें से बुक ऑफ हेनोक का पार्ट 1 जो है वो 300 से 200 BC पुराना है, जिसे लगभग सभी स्कॉलर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, जो केवल इथोपियन ऑर्थोडॉक्स ट्रिवाइडो चर्च ने स्क्रिप्चर मानकर अपनी बाइबल में रख लिया है। तो अब सवाल उठता है इस किताब को लिखने का मकसद क्या था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी बाइबल में कोई गैप दिखाई देता है उसके अंदर कोई ना कोई अपनी किताब जरूर लिखता है, कोई ना कोई कल्ट, कोई ना कोई भ्रामक किताब जरूर आएगी। एग्जाम्पल के लिए यीशु के जन्म से लेके उनके 14 साल की उम्र तक यीशु कहाँ रहे उसके ऊपर भी एक किताब हैगी जो कहलाती है द गॉस्पल ऑफ थॉमस। तो उसका अध्याय 1:7 मैं आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप उसे थोड़ा गौर से पढ़िएगा। इसमें एक घटना बताई गई है कि यीशु मसीह ने मिट्टी से चिड़िया बनाई और उनको जिंदा करके उड़ाया, जिसकी टेपा टेपी कुरान 5:110 और 3:49 में ईसा ने भी मिट्टी की चिड़िया बना के उड़ा दी। और उसके बाद यीशु मसीह के जो अननोन ईयर्स हैं कि यीशु मसीह अपनी सेवकाई से पहले कहाँ रहे, उस समय पे टुनियो ने भी अपनी किताबें लिखी हुई हैं। और एक और व्यक्ति है जिसका नाम आप जानते हैं, निकोलस नोटेविच, उसने तो ये क्लेम कर दिया कि यीशु मसीह इंडिया में थे। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको भविष्य पुराण भी पढ़ाया था, उसमें भी ये लिखा है कि जो ईसा था वो इंडिया में आया था। मैं आपको एक और बहुत मजेदार एग्जांपल देता हूँ कि कैसे किसी बात की कहानी और बतंगड़ बनाया जाता है। किसी टुन्नी ने अपने ऋषि मुनि से पूछा होगा कि ये ऋषि मुनि जी, ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो क्यों होता है। तो उनके मुनिवर ने ये बताया कि जब समुन्दर मंथन हुआ था तो 2 असुर थे जिनका नाम था राहु और केतु, उन्होंने धोखे से थोड़ा सा अमृत पी लिया और जब श्री हरि विष्णु को पता चला तो उन्होंने उनका सर काट, जिससे उनका सर तो अमर हो गया और धड़ मर गया, क्योंकि उनकी शिकायत सूर्य और चंद्रमा ने करी, इसलिए राहु केतु उनको निगल जाते हैं जिससे कि सूर्य ग्रहण होता है। तो उसी तरीके से जब ये सवाल उठा कि दानव आए कहां से, तो किसी जीनियस ने ये हेनोक नाम की किताब लिख दी जिसका राइटर भी अननोन है। उसी तरीके से द गॉस्पल ऑफ थॉमस भी है और ऐसे बहुत सारी कल्ट और ऐसी बहुत सारी किताबें आप भी जानते होंगे। अब क्योंकि एक भ्रामक किताब आ गई है तो भ्रम फैलाने वाले भी आपको मिलेंगे ही, और वो यहाँ से शुरू करते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये तो बड़ी चमत्कारी किताब है, देखो हम आपको बाइबल के राज बता रहे हैं, आपको ये बात जानना जरूरी है कि दानव कैसे आए। फिर वो आपको पहले दानवों की कहानी सुनाएंगे, फिर आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट डिमन्स में पैदा करें, उसके बाद आपको ये पट्टी पढ़ाई जाएगी कि भाई आप लोगों को डिमनोलॉजी, एंजियोलॉजी, जाइंट्स के बारे में जानना चाहिए।
ताकि आप शैतान से लड़ सके। और आपको लगेगा हाँ भाई, इतना बड़ा पास्टर, इतना बड़ा सेवक हमें बता रहा है, तो क्यों ना हम उसकी बात को सुन ले। और जब आप लोग इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो लास्ट में जाते जाते आप सैटेनिज्म को पढ़ेंगे और अल्टीमेट एंड आप परमेश्वर को छोड़कर रास्ता भटक जाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरी गवाही सुनी हो तो आपको पता होगा कि मैंने भी थोड़ा बहुत इन चीजों को पढ़ा और ये बेहद खतरनाक चीजें। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपके हाथ में 66 किताबों की बाइबल है, क्या आप इसमें मास्टर हो चुके हैं? अगर आप मास्टर हो चुके हैं तो ठीक, क्योंकि मैं भी इसे पढ़ता हूँ और मैंने भी बहुतों को देखा है जो आज तक मास्टर नहीं। तो ये आप लोग ये डिमोनोलॉजी एंजियोलॉजी सीखकर कौन सा आपको तंत्र मंत्र और तांत्रिक बन या दूर दूर जाके एक्सोरसिज्म करना है? आप लोग क्या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी एंजल को समन करेंगे? जब वो एंजल आपके सर पे आके पड़ जाएगा तो फिर उससे बड़े एंजल को समन करेंगे या फिर किसी डीमन को बुलाएंगे? इस चीज की जरूरत क्या है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। सुसमाचार को छोड़कर ये बुक ऑफ हेनोक इन सब चीजों से क्या फायदा होने वाला? केवल और केवल मसीहों को भटकाने के लिए माइंड प्रोग्रामिंग करी जा रही, क्योंकि डरेगा विश्वासी तभी तो भटकेगा विश्वासी। क्योंकि जिस प्रकार आवश्यकता आविष्कार की जननी है और बाइबल के अनुसार अभिलाषा पाप को जन्म देती, उसी तरीके से जरूरत से ज्यादा उत्सुकता भटकाव को लेकर आती है। हवा याद है ना? तो अब बात करते हैं, तो क्या ये देवी देवता फॉलन एंजल से? तो इसका भी जवाब है नहीं। और मैं उसको साबित करने से पहले आपको एक पद पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल ने क्लियर क्लियर हिंट दी थी। वो हिंट क्या थी उसे जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा निर्गमन 20 का 3-5 और व्यवस्था विवरण 5:7। मैं निर्गमन 20 का 3-5 पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूरत खोद कर ना बनाना, ना किसी प्रतिमा को बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उसको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो यहाँ पे इस बात को गौर कीजिएगा कि ना तो आकाश, ना पृथ्वी, ना जल के अंदर के किसी भी चीज की मूर्ति बना के उसको दंडवत कर। यदि आप पहला सैमुएल 5:2-7 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा एक देवता था डैगोन, जो कि हाफ मैन हाफ फिश, यानी फिश गॉड, दुनियों की सहायता के लिए कह सकते हैं मत्स्य अवतार। परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया था, पूरा चैप्टर में पढ़ लीजिएगा, कहानी में मजेदार। ये आया कहां से? तो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ जोडियक साइन, यानी कि राशिफल। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको इसमें बैल भी दिखाई देगा और डैगोन गॉड भी दिखाई देगा। और इजिप्ट के लोगों का एक मेन ईश्वर था जो था कि सन गॉड, जिसे वो रा के नाम से पुकारते थे, और ग्रीक मैथोलॉजी में द गॉड ऑफ थंडर ज्यूस था। ज्यादातर मेन गॉड्स प्लेनेट सन मून और स्टार्स हुआ करते थे, और लोग जंगल पत्थर नदियों को भी पूजा करते थे। ये गॉड्स कोई फॉलन एंजल्स नहीं थे, ये नॉर्मली गैलेक्सी में दिखने वाले प्लेनेट स्टार्स और जो पृथ्वी के आसपास की चीजें होती थी उनकी पूजा की जाती, और उनकी पूजा करने के लिए ये लोग उन देवताओं की मूर्ति बनाते थे, उसके साथ कहानियां जोड़ते थे और फिर मैथोलॉजी चलती रहती। ना इन मूर्तियों का कोई वजूद है, ना ही इन गॉड्स का। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो, और उम्मीद करता हूँ आप भटकाने वालों से बच के रहने की कोशिश करें। यदि आपको ये लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप मेरे को रिफ्यूट कर सकते हैं, अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। बाकी भटकना ना भटकना सबका पर्सनल है। तो अंत में, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन ऑल्सो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।